तो प्यारे व्यर्थ ये देख लें, बच्चे सो रहे हैं। एक चीज़ हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये देख लें। तो हम सो रहे थे तो ये देख लो, जंदरा भी लगा हुआ है, कुंडी खुली हुई है। और ये देख लें, इधर से जो है ना ऐसे दरवाज़ा खोला गया है और अंदर जो है ना कुत्ते वगैरह घुस गए हैं। और डरने वाली कोई बात नहीं है, कुत्ते वगैरह घुस गए हैं और हमारी अचानक से नींद खुली है। तो ये देख लो प्यारे व्यर्थ, इसके जो है ना टूटा हुआ है सारे दरवाजे। और उधर भी वो दरवाज़ा जहाँ हम सोते हैं वो भी दरवाज़ा ऐसे ही है, लेकिन उधर तो हम सोते हैं ना, कुत्ते वगैरह नहीं आते। लेकिन इधर ये आज पहली मर्तबा चांस हुआ है हमारे साथ। तो बेगम साहबा तो वैसे डर गई थी। प्यारे ये देख लें, हमारा खाने पीने का सामान यहाँ पर पड़ा होता है। और अब ये बर्तन वगैरह जो है ना बेगम साहिबा को सुबह पाक करने पड़ेंगे, बिल्कुल साफ तरीके से धोने पड़ेंगे, क्योंकि बंदे को पता तो नहीं होता ना आज पहली मतलब ये चांस बना है। और वगैरह यहाँ पर हम सो रहे होते हैं तो चोर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये देखो हमारी बाइक वगैरह भी यहाँ पर खड़ी होती है। तो बस क्या करें, गुजारा तो करना है, ज़िंदगी किसी ना किसी तरह का तो गुजारनी है। और ये पंखे वगैरह भी हमारे यहाँ पर ही होते हैं। तो ये भी हमारी एक अमेरिका से सिस्टर थी, उसने पैसे भेजे तो हमने ये बाइक ख़रीदी है। तो हम तो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते। तो हमारे लिए दुआ करें प्यारे व्यूअर्स कि अल्लाह पाक हमें जल्द कामयाब करें। तो ये देख लो 11 बजे उठकर हम ये व्लॉग बना रहे हैं। तो प्यारे व्यूअर्स अब जो है ना दरवाजे के पीछे इधर से हमने ईंटें रखी हैं और इधर से ताला लगा देंगे हम। तो ये देख लो ताला भी जो है ना हमारा मुश्किल से ही आता है। तो ये देख लो इधर से भी अब भी खुला हुआ है। तो बस अल्लाह के सहारे ही हम सोते हैं इधर। चलो ठीक है, आ जाओ फिर। और ये कमरा है जहाँ हम सोते हैं और बच्चे हमारे सो रहे हैं। आज शाहीन को बुखार था तो ये भी बड़ी मुश्किल से सोई है, क्योंकि आज हिफाजती टीके लगे थे। और उधर समीर सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शीनो फैमिली व्लॉग, और आपको अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये रात 11 बजे का टाइम है और हम सो रहे थे अचानक ही। तो ये देख लें यहाँ से एक सुराख नज़र आ रहा होगा, ये हमारा किचन है। तो इधर से मैंने जब नज़र दौड़ाई तो अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे कुत्ते थे। तो वैसे भी दरवाज़े की आवाज़ आई है बहुत सख्त तरीके से। तो मैंने इधर से देखा तो बड़े बड़े कुत्ते थे, तो मैं डर गया। बेगम से बखूबी इधर उठाया और हमने एक डंडका लिया और वहाँ पहुँच गया, कुत्तों को भगाया। तो देखा को दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस चुके थे कुत्ते। अजीब बात है भाई, तो क्योंकि लॉक इतने अच्छे नहीं हैं या दरवाज़े इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उनको वो लॉक कर सकें। और बेगम से ये देख लो अब आ रही है कुत्तों को भगा कर। तो देख लो कोई हम कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की सपोर्ट की चाहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और ये भी जहाँ हम जिस अंदर सोते हैं, ये इसका भी जो लॉक है, दरवाज़ा है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। और थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि बेगम से वैसे हड़बड़ा कर उठी है, एक पाँव में जुराब थी एक में नहीं थी। ये देख लो बैठी हुई है अब भी, तो कमाल है। तो क्या कह सकते हैं, कुत्ते हैं, भगाया है उनको। दोबारा से जो है ना दरवाज़े के पीछे जो है ना ईंटें रखी हैं एक साइड पे, क्योंकि एक साइड पे बिल्कुल ही ख़त्म है, चिगड़ियों वगैरह से बांधा हुआ है। और एक तरफ से लाख लगाया दोबारा से, और अब आके बैठे हुए हैं। और बच्चे ये देख लो सो रहे हैं, वो शहीन, और ये देख लो ये समीर सोया हुआ है हमारा। और ये हमारा मेन कमरा जहाँ हम सोते हैं, ये बेगम साहिबा की जो सिलाई मशीन पड़ी हुई है या जूसर मशीन है। और यहाँ पर जो है ना चार्ज वगैरह होते हैं हमारे। और ये बेगम साहिबा का मोबाइल, बेंच वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये हमारा सोने का कमरा है। तो बस ये हमने आपसे छोटी सी शेयरिंग करनी थी और आपको लोगों को बताना था। ये देखो ये किचन है, इधर भी जो है ना बल्ला वगैरह जला हुआ होता है।